हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के साथ हम अपनी एक नई एंड्रॉयड ऐप की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट ब्लॉग एप्लीकेशन को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फाइबेस फाइस्टोर की हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं। इस सीरीज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, देन गूगल साइन ऑथेंटिकेशन प्लस ड्रॉवर मेन्यू को भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप फाइबेस फाइस्टोर के किसी भी क्यूरियर ऑपरेशन को फॉलो कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक आप अपने एप्लीकेशन से अपने डेटाबेस के अंदर किस तरह से डेटा एंटर करते हैं, एंड अपने डेटाबेस से अपने ऐप के अंदर किस तरह से उस डेटा को शो करेंगे, एंड अपने ऐप से ही उस डेटा को किस तरह से अपडेट एंड डिलीट करेंगे, एंड साथ ही साथ में गूगल साइन इन और ड्रॉवर मेन्यू, सर्च व्यू एंड रिसाइकल व्यू, और साथ ही साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज़ को देखने के बाद सीखने को मिलेंगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी द कंप्लीट डेमो ऑफ अवर एप्लीकेशन विच वी आर जस्ट गोइंग टू गेट आफ्टर फॉलोइंग दिस होल सीरीज। सो लेट्स मूव टू अवर मोबाइल स्क्रीन। ये रही हमारी ब्लॉग एप्लीकेशन, हम इसे ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिल रही है, और यहाँ पर हमारा गूगल साइन ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर डायलॉग भी पॉपअप हो चुका है। तो हम यहाँ से अपनी ईमेल को सेलेक्ट करते हैं, देन हमारा यहाँ पर ये लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये रहा हमारा होम पेज का डिज़ाइन, और यहाँ पर आपको सभी ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक सर्च व्यू भी है जहाँ से आप अपनी ब्लॉग्स को सर्च भी कर सकते हैं, एंड ये परफेक्टली काम भी कर रहा है। देन उसके बाद अगर आपको किसी ब्लॉग को खोलना है, उसकी डिटेल में जाना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमें उसके पूरा टाइटल, ऑथर का नेम एंड उसका पूरा कंटेंट यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ से हम किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो ये रहा हमारा होम पेज। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अपना ड्रॉवर मेन्यू में, और यहाँ पर हमें और ऑप्शंस दिखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रोफाइल के अंदर चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल पूरी दिखती है। तो यहाँ पर हमें उसका प्रोफाइल फ़ोटो, देन उसका नाम और उसकी ईमेल, और यहाँ पर लॉग आउट का एक बटन शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऐप से हमारी जो ईमेल थी वो लॉग आउट हो जाती है, तो हमें दोबारा से यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं दूसरी ईमेल से यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। देन फाइनली हमारी ये भी लॉग इन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर अब प्रोफाइल में भी ये सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अब हम देखते हैं अपने पब्लिश ब्लॉग वाले इस फ्रैगमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेलेक्ट थंबनेल पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपने जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है उसके लिए एक इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं सैंपल के लिए यहाँ पर किसी भी डमी इमेज को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। देन हम इसे टाइटल में लिख देते हैं सैंपल इमेज, सैंपल टाइटल। देन डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देते हैं सैंपल ब्लॉग पोस्ट डिस्क्रिप्शन। देन ऑथर के नाम में भी हम प्रोग्रामिनर लिख देते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर अब इसे पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट के अंदर ये हमारा फायरबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज को भी अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर अब होम में चलते हैं। देन लेट्स सी, यस हियर इज़ अवर ब्लॉग पोस्ट जो अभी हमने अपलोड की है। यहाँ पर डेट भी आ चुकी है उसकी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वही टाइटल, ऑथर नेम, देन हमारी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमें किसी को एडिट करना है तो हम इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, देन अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका टाइटल भी अपडेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी, और ऑथर का नाम भी। तो जैसे मैं यहाँ पर एक इमोजी ऐड कर देता हूँ टाइटल के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पर एक इमोजी ऐड करता हूँ। देन इसके अंदर भी हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, तो देखने के लिए क्या ये अपडेट होता है या फिर नहीं। तो अब मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये ब्लॉग पोस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। और इसी तरह से अगर आपको किसी ब्लॉग पोस्ट को डिलीट करना है तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, देन आपको डिलीट पर क्लिक करना है, और यस आई एम श्योर पर क्लिक करके आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यही है हमारी एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन को हम आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड 3 वीडियोस के अंदर ये हमारा पूरा ऐप कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो
सो यहाँ हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ और इस एप्लीकेशन का नाम ब्लॉग एप्लीकेशन लिख देता हूँ। सो पैकेज नेम भी यहाँ पर सही है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे रखता हूँ एंड यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करते हैं। गाइज, जब तक हमारा वो सिंक्रोनाइज वाला प्रोसेस होता है तब तक मैं आपको इस फोल्डर के बारे में बता देता हूँ। इस फोल्डर की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस फोल्डर में हमने जितने भी एप्लीकेशन के अंदर ड्रॉएबल्स यूज़ किए हैं, उसके बाद हमने जितना फ़ॉन्ट यूज़ किया है, जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है और जितने मतलब थीम में जो हमारे कलर्स हैं, स्ट्रिंग हैं, जितना भी हमने यूज़ किया है, उस सभी का आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी फाइल्स यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी और बाद में आपको यहाँ पर बस अपने प्रोजेक्ट सेटअप के टाइम आपको क्या करना है, यहीं से ड्रॉएबल्स को कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। और फाइनली यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट की सभी प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे जो ये मेन एक्टिविटी है, इसका नाम यहाँ से इसके रीनेम करके हम स्प्लैश स्क्रीन लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारी स्प्लैश एक्टिविटी रहने वाली है, जो कि हमारा ऐप जैसे ही ओपन होगा सबसे पहले हमें यही वाली स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पर मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम यहाँ से स्प्लैश एक्टिविटी लिख देता हूँ एंड यहाँ पर रीफैक्टर पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसका नाम भी चेंज हो गया है। तो जैसे हमने इस एक्टिविटी का जावा फाइल का नाम चेंज किया है, वैसे ही हम XML फाइल का नाम भी चेंज करने वाले हैं और उसे भी हम यहाँ पर एक्टिविटी स्प्लैश लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं मेन की जगह बस स्प्लैश लिख देता हूँ, SPLASH। ओके, सो यहाँ पर हम रीफैक्टर कर देते हैं इसे भी, तो हमारा यहाँ पर दोनों का नाम भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर स्प्लैश एक्टिविटी हो चुकी है और यहाँ पर स्प्लैश एक्टिविटी splash.xml हो चुकी है। इसके बाद हम कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की। जो फोल्डर मैंने आपको बताया था उसी में से हम ड्रॉएबल्स को यहाँ से कॉपी करने वाले हैं एंड हम चलते हैं ड्रॉएबल्स वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ से हम इन सभी को कंट्रोल प्लस ए पर क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन हम चलते हैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ इस ड्रॉएबल वाले फोल्डर के अंदर हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो हमें इसमें नहीं करना, ऊपर वाले में करना है, तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर हमारे जितने भी ड्रॉएबल्स हमने वहाँ से कॉपी किए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सभी पेस्ट भी हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद ड्रॉएबल्स के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे जो फॉन्ट है, फॉन्ट वाला पूरा फोल्डर हमें यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है और वहाँ पर आकर रिसोर्सेज वाले इस रेस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमें इसे पेस्ट कर देना है एंड ये वाला भी यहाँ पर हमारा आ चुका है। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, थीम में चलेंगे हम एंड थीम में से भी हम कुछ फाइल्स को यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे हमारा ये प्रीलोडेड फॉन्ट्स वाला है और फॉन्ट सर्ट्स वाला है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर आते हैं हम इसके अंदर एंड यहाँ पर इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके ओके, हाँ तो यहाँ पर ये वाला भी पेस्ट हो चुका है। देन उसके बाद हमें दो फाइल्स में चेंजिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कलर्स हैं, हमें इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ कलर्स को यूज़ किया है, उन कलर्स को भी हम वहाँ पर डाल लेते हैं। हम यहाँ से इस फाइल में कंटेंट जो है इसको कॉपी करते हैं एंड चलते हैं हम अपनी कलर्स वाली फाइल के अंदर एंड यहाँ पर उसे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारे ये कुछ नए कलर्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग वाली फाइल है इसके अंदर भी हमें चेंजिंग्स करनी है। तो मैं यहाँ से स्ट्रिंग वाली फाइल को ओपन करके इस पर मतलब इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से आएंगी, वो URL से आएंगी। तो उसके लिए भी हमें एक डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे यूज़ करके हम इंटरनेट से अपनी इमेज को शो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर dependency.txt का एक फाइल बनाई है, इसको आपने ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको इस डिपेंडेंसीज को भी कॉपी कर लेना है एंड देन बैक टू एंड्रॉयड स्टूडियो एंड यहाँ पर आपको build.gradle वाली जो यहाँ पर हमारी मॉड्यूल वाली फाइल है इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। देन आपको इस सिंक्रोनाइज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अपने इस जो हमारा ये प्रोजेक्ट है
इसमें फायरबेस को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फायरबेस से ही हम गूगल साइन इन करेंगे, उसके बाद हम फायरबेस में ही डेटा को स्टोर करेंगे, हमारे जो टाइटल होगा ब्लॉग की पूरी पोस्ट होगी वो पूरी, उसका मतलब जितना भी डिस्क्रिप्शन होगी इमेज होगी वो सब कुछ हमारा फायरबेस में ही सेव होगा और वहीं से हम इसे रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए हम टूल्स में चलते हैं, देन हम फायरबेस में चलते हैं। तो फायरबेस में जाने के बाद सबसे पहले हमारी यहाँ पर लोडिंग ले रही है असिस्टेंट, एंड देन हाँ हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी को भी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अपने ऐप को भी कनेक्ट करना है। जैसे मैं ऑथेंटिकेशन में चलता हूँ एंड यहाँ पर हम कनेक्ट टू फायरबेस पर क्लिक करते हैं। तो फायरबेस में कनेक्ट होने से पहले इसको हमारे पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना होगा, तो हम यहाँ पर बिल्ड पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर गाइज मुझे एक एरर अभी शो होने वाला है, मैं उस एरर को इसलिए रिजॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो एरर जो है ना वो शो हो रहा है, तो मैं आपको उसका सलूशन भी आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक और एरर आ चुका है वैल्यूज़ वाली फाइल के अंदर। एरर्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, बिल्ड वाले फोल्ड ये जो हमें नीचे बिल्ड बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कांट डिटरमाइन टाइप फॉर टैग, यहाँ पर हमें आगे आ चुका है एरर एंड अभी भी ये प्रोसेसिंग में है, तो हम वेट करते हैं जब तक ये फुल बिल्ड हो जाए क्योंकि यहाँ पर एक और एरर हमें आने वाला है। तो इसको भी दोनों का सोल्यूशन जो है वो इसी फाइल से होगा, ऐप लेवल वाली बिल्ड डॉट क्रेडल से। ओके तो चलिए वेट करते हैं उस एरर का। यस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे एरर्स देखने को मिल रहे हैं, ये एरर्स हम बस कुछ ही मिनट्स में इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस ये जो हमारी ये एरर आ रहा है द मिनिमम कंपाइल SDK 32 स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंसी AAR मेटाडाटा इज ग्रेटर देन दिस मॉड्यूल कंपाइल SDK वर्जन, तो इसे हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि फाइल के अंदर जाना है ऊपर, देन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर जाना है और यहाँ पर हमें ऐप पर क्लिक करना है। देन हमारी जो यहाँ पर पहली वाली डिपेंडेंसी है ऐप कम्पैक्ट 1.5.1, इससे हमने यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्टेड वर्जन है इसका हमें यहाँ से 1.4.2 कर देना है गाइज, और उसके बाद हम यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे। देन कुछ ही देर में हमारा जो ये सेकंड वाला एरर था ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये बिल्ड हो चुका है, मतलब कि वो एरर रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा वो जो दूसरा एरर था वो वैल्यूज़ वाली ये वाला इस फाइल वाला, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो ये मटेरियल वाली डिपेंडेंसी है इसका हमें वर्जन चेंज करना है 1.6.0 करना है, और हम यहाँ से इसको दोबारा से सिंक पर क्लिक करते हैं, देन हमारा वो एरर भी यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें वो एरर अब दोबारा से फेस हो रहे हैं या फिर नहीं, उसके लिए दोबारा से हम इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड एपीके में कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुली हमारी बिल्ड जो हो चुकी है, अब हम दोबारा से क्या करते हैं उसे फायरबेस को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको असिस्टेंट पर क्लिक करना है, देन कनेक्ट टू फायरबेस पर क्लिक करना है, एंड अब ये आपके ब्राउज़र के अंदर एक पेज को लोड करेगी जिसमें आपको अपने मतलब फायरबेस का एक प्रोजेक्ट वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये पेज ओपन हो चुका है, हम ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, इसका नाम आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेता हूं क्योंकि इस नाम पे मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहां पर सेव है, मैं यहां पर ब्लॉग एप्लीकेशन लिख देता हूं। ओके देन आई कंफर्म दैट आई विल यूज़ फायरबेस एक्सक्लूसिव फॉर ट्रेड पर्सन, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को अनेबल ही रखते हैं फॉर नाउ एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रख कर आई एक्सेप्ट दी गूगल एनालिटिक्स टर्म्स को क्लिक करके चेकबॉक्स पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, देन हमें यहाँ पर एक डायलॉग शो होगा, उसमें हमें कनेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है वो हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यस यहाँ पर वो डायलॉग आ भी चुका है, तो हमें बस यहाँ पर कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करते हैं हम, एंड यहाँ पर हमारा जो है योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फायर बेस एंड्रॉयड ऐप। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी हमें यहाँ पर कनेक्टेड शो हो चुका है। तो हमारा फायर बेस का प्रोजेक्ट अब कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो जो फायर बेस की चीज़ों को यूज़ करना है उसको हमें यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर गूगल के साथ ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम इसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस, देन यहाँ से बैक चलते हैं हम। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लाउड फायर स्टोर को भी यूज़ करना है, जहाँ पर हमारा डेटाबेस जो है, ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर हमारा सभी डेटा जो है एप्लीकेशन का वो स्टोर होगा और यहीं से हम इसे रीड और अपडेट और डिलीट भी करेंगे। तो इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस। देन वन मोर थिंग वी नीड इज दैट अवर फायर बेस स्टोरेज, बिकॉज हमारा जो थंबनेल होगा वो इनके स्टोरेज में जाकर स्टोर हो जाएगा, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर इनकी डिपेंडेंसीज को अपने एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट डालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर हमारी तीनों की तीनों डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर ऐड हो भी चुकी हैं और यस, यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी ऑथ की डिपेंडेंसी ऑथेंटिकेशन की, फायर स्टोर की, और यहाँ पर ये हमारी स्टोरेज की डिपेंडेंसी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो मतलब कि हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट अब सेटअप हो चुका है, तो हमें फायरबेस में भी कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फायरबेस में भी अपने ऐप जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉग एप्लीकेशन के नाम से जो हमने बनाया था अभी। इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि हमारा जो फायरबेस स्टोरेज है और फायर स्टोर है उसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ऐप है और वो जो है कनेक्ट हो सकें। तो यहाँ पर अभी भी वही डायलॉग शो कर रहा है, तो मैं URL में थोड़ी चेंजिंग्स करता हूँ, ओवरव्यू तक ये रखता हूँ, तो हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स वाला पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, सो डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पर बिल्ड में चलते हैं। देन हमें फायर स्टोर को सबसे पहले मैं यहाँ पर अनेबल करता हूँ, हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट शॉर्टकट्स भी आ चुका है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है आपको। हम क्लाउड फायर स्टोर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट इन टेस्ट मोड करना पड़ेगा। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर लोकेशन यही रखते हैं हम अपने डेटाबेस की, अनेबल पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो डेटाबेस है हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके रूल्स में चलते हैं, तो रूल्स में हमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। तो यहाँ पर हमारे जो हैं रूल्स वो ओपन हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पर जो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे ताकि अच्छी तरह से आपको दिख पाए। तो ये जो हमारा कोलन है इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, और जो हमारा सेमी कोलन है यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको इसके जो हमारा बैकस्पेस वाला बटन है इस पर क्लिक करके मतलब इसे रिमूव कर देना है। देन पब्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर फायरबेस फायर स्टोर को यहाँ पर हमने सेटअप कर लिया, उसके बाद हमें फायरबेस स्टोरेज को भी करना है। मैं यहाँ से स्टोरेज को सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर स्टोरेज को भी यहाँ पर हम सेटअप कर लेते हैं। तो स्टोरेज तो हमारा सेटअप ही है, बट हमें यहाँ पर बस रूल्स में चेंजिंग्स करनी है। जैसे हमने फायर स्टोर में किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर भी आपको बस कोलन से सेलेक्ट करना है, फाल्स की ई तक यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके पार्ट कर देना है। देन अगेन आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। देन नाउ यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन को भी यूज़ करने वाले हैं, तो हम ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो बिफोर दैट हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर आ चुका है, तो हमें यहाँ पर बस गूगल को ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर गूगल पर क्लिक करते हैं, इसे यहाँ से इनेबल करके सेव पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें ईमेल भी प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर डन पर क्लिक करते हैं। तो ईमेल भी यहाँ से हम एडिट करके ईमेल अपनी डाल देते हैं। ईमेल में वही रखता हूँ जिस पर मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी गूगल की जो हमारी ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल हो चुकी है, मतलब कि हम अपने ऐप से गूगल के साथ साइन इन करेंगे तो वो मतलब साइन इन यूज़र हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हमें बोल रहा है कि आपने जो SHA सर्टिफिकेट है उसको आपने मतलब
की है, जो हमारी SHA की है, उसे हमने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर डालना है। तो हम प्रोजेक्ट सेटिंग में चलते हैं, यहाँ से सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है गाइस यहाँ पर, और यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और चलना है आपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रेडल पर क्लिक करना है, देन आपको इस हाथी के आइकॉन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर लिखना है साइनिंग रिपोर्ट, ओके, देन आपको इंटरप्रेस करना है और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये बिल्ड होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर SHA मिल जाएगी। तो SHA 1 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड और यहाँ तक ये हमारी कॉपी करके मैं यहाँ पर इसके अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं SHA 1 को, देन हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि ये SHA की जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर दूसरी SHA को पेस्ट कर देते हैं, SHA 256 को यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, देन सेव पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेव हो चुकी है, तो अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर ही देते हैं। देन फायरबेस की तरफ से जो हमें काम करना था उसकी वेबसाइट पे वो तो हो चुका है, अब हम अपनी कोडिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अब अच्छी तरह से सेटअप हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लायर स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग के एग्जाम्पल में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूँ। बैकग्राउंड हम इसका कलर जो है ये वाइट है, अभी इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक करते हैं गाइस, ब्लैक चाहिए हमें बैकग्राउंड। एंड इस ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हम रिप्लेस करते हैं इमेज व्यू के साथ, हमें यहाँ पर इमेज चाहिए, अपना लोगो हम डालेंगे यहाँ पर। तो इमेज व्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, देन हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट पर रिमूव करते हैं एंड यहाँ पर SRC हम लिखते हैं। देन मैं यहाँ पर बस डेमो के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से दिए गए एक आइकॉन को ही अपना एज अ लोगो मान लेता हूँ एंड यहाँ पर हमने ये लोगो रखा है। इसकी हम थोड़ी विड्थ और हाइट भी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 120 dB वाली मच फाइन। और अभी ये हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि इसका कलर ही ब्लैक था, तो हम इसके टेंट को भी चेंज करते हैं, मतलब इसके कलर को भी चेंज करते हैं। ऐप टेंट हम कर देते हैं इसकी क्या वाइट, ओके। तो ये हमारा लोगो भी वाइट हो चुका है। तो ये सभी तरफ से कॉन्स्टेंट है, मतलब सेंटर में एक्यूरेट। इसके नीचे हमें एक टेक्स्ट भी चाहिए, तो हम यहाँ से एक टेक्स्ट को यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं इधर कंपोनेंट ट्री के अंदर। कंस्ट्रेंट हम यहाँ पर इसे, मतलब जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर है, इसको भी हम पहले इसका कलर चेंज करते हैं। इसका कलर हम यहाँ पर वाइट रखते हैं एंड ये अभी हमें शो हो चुका है। और टेक्स्ट व्यू की जगह मैं अपने ऐप का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लॉग एप्लीकेशन। देन हम क्या करते हैं गाइस, इसका जो ये ऊपर वाला जो यहाँ पर सर्कल है इससे हम अटैच करेंगे किसके साथ, ये जो इसका लोगो का नीचे वाला है इस पर करेंगे अटैच, तो ये नीचे आ जाएगा। और ये जो है हमारे इसको साइड्स पे ही करते हैं पैरेंट के साथ ही, इसको भी यहाँ पर पैरेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये आ चुका है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको मतलब फ़ॉन्ट्स का चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं हम यहाँ पर एंड हम यहाँ पर पोपिन सेमी बोल्ड यूज़ करेंगे। देन इसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, टेक्स्ट साइज़ हम यहाँ पर लिखते हैं 18 SP लिख देते हैं, 18 SP मच बेटर गाइज। एंड इसको एक्यूरेट सेंटर में लाने के लिए हम थोड़ा सा इसे नीचे से मार्जिन देते हैं इस इमेज को, मार्जिन हम कितने देते हैं 15 dp देते हैं 15 dp की, बट हमें सिर्फ मार्जिन बॉटम चाहिए, तो हम मार्जिन बॉटम ही लिखते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया ही। एंड आई थिंक इट्स दी सेंटर थोड़ा सा और देते हैं 25 कर देते हैं गाइस, ओके फाइन। सो यहाँ पर हमारी ये स्प्लैश स्क्रीन अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, चाहे तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये सब कुछ डिज़ाइनिंग आप पे डिपेंड है, आप जैसे इसको कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ को हमें यूज़ करना था बाइंडिंग को, उससे हम ईज़िली जो हमारी इमेज भी हमारी XML के अंदर है इसे जावा में एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग को भी यूज़ कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट वो build.gradle फाइल में आपको आना है, build.gradle फाइल के अंदर आपको आना है एंड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको आना है, ये जो हमारी ये है लाइन नंबर 9 पे, इसके अंदर आपको एंटर करके यहाँ पर बस आपको ये चीज़ पेस्ट कर दी है, इसे सिंक कर देना है और ये हमारा यहाँ पर हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर बाइंडिंग को, व्यू बाइंडिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्टिविटी स्प्लैश एक्टिविटी बाइंडिंग, और ऐसे भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ शॉर्टकट में
एंड यहाँ पर हमारी वो आ जाएगी, ये आ चुकी है एक्टिविटी स्प्लैश बाइंडिंग। देन बाइंडिंग हम यहाँ पर इसे डिक्लेयर करते हैं बाइंडिंग, और यहाँ पर अब हम इसे इनिशलाइज भी करेंगे। बाइंडिंग इक्वल्स एक्टिविटी स्प्लैश बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो अब हम यहाँ पर अपने गूगल साइन इन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ। गूगल साइन इन ऑप्शंस, यहाँ पर हम साइन इन ऑप्शंस लिख देते हैं। देन गूगल साइन इन क्लाइंट, गूगल साइन इन क्लाइंट, देन यहाँ पर हम साइन इन क्लाइंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है, ऐड डिपेंडेंसी, तो हम यहाँ से ऐड ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये ऐड हो जाएगा। टिल देम हम इसको इनिशलाइज भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, सेटअप साइन इन, सेटअप साइन इन, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर इम्पोर्ट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं वो हमारा एरर भी चला गया है। तो यहाँ पर हम इसे अब इस मेथड को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसमें गाइस हम सबसे पहले हमने जो डिक्लेयर किया उसे इनिशलाइज करेंगे, गूगल साइन इन ऑप्शन और गूगल साइन इन क्लाइंट को। तो यहाँ पर हम इसे इनिशलाइज करते हैं गूगल साइन इन ऑप्शंस को। साइन इन ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू गूगल साइन इन ऑप्शंस डॉट, यहाँ पर डॉट बिल्डर हम लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल साइन ऑप्शन डॉट डिफॉल्ट साइन इन, देन डॉट रिक्वेस्ट आईडी टोकन। ये हमें मिलेगा गेट स्ट्रिंग से, गेट स्ट्रिंग हम करते हैं यहाँ पर आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिफॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं डॉट रिक्वेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको क्लोज भी करना है। देन डॉट रिक्वेस्ट ईमेल, देन डॉट बिल्ड, ओके। तो हमारा ये इसका गूगल साइन इन ऑप्शन को हमने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया है। यहाँ पर अपने गूगल साइन इन क्लाइंट को भी यहाँ पर इनिशलाइज करते हैं। साइन इन क्लाइंट विल बी इक्वल टू गूगल साइन इन गेट क्लाइंट, एंड कॉन्टेक्ट्स में हम यहाँ पर दिस ही दे देते हैं। देन ऑप्शंस में हमें साइन इन ऑप्शंस दे देना है। तो यहाँ पर हमारा जो है गूगल साइन इन ऑप्शन और गूगल साइन इन क्लाइंट इनिशलाइज भी हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ मैं, फायरबेस ऑथ को। यहाँ पर फायरबेस ऑथ, ऑथ, देन ऑथ, एंड ऑथ को भी यहाँ पर ही इनिशलाइज कर लेते हैं। ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर हमने सेटअप साइन इन वाले मेथड को यहाँ पर क्रिएट कर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम वही कंडीशंस यूज़ करेंगे कि ऑन स्टार्ट वाले मेथड हम यहाँ पर कॉल करते हैं कि इफ़ अवर करंट यूज़र इज, इफ़ करंट यूज़र, हम करंट यूज़र को पहले यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, फायरबेस यूज़र करंट यूज़र डॉट गेट करंट यूज़र, ओके। यहाँ पर हम कंडीशन को यूज़ करेंगे इफ़ करंट यूज़र is not equal to null, हमने यहाँ पर लिखा, अगर वो मतलब साइन इन है तो हम यहाँ पर एक एक्टिविटी, होम एक्टिविटी जो हम डिज़ाइन करेंगे बाद में उसे यहाँ पर शो करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी एक कॉमेंट ही डालते हैं शो होम स्क्रीन, वो हम बाद में एक्टिविटी क्रिएट करेंगे इसके बाद। देन एल्स में क्या करेंगे, अगर वो साइन इन नहीं है तो हमें वहाँ पर साइन इन वाला वो बॉक्स दिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करता हूँ साइन इन वाले मेथड को। तो यहाँ पर अगर वो साइन इन नहीं है हमारे यूज़र तो उसे हमें यहाँ पर वो डायलॉग दिखाना है गूगल साइन इन वाला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटेंट, इंटेंट विल बी इक्वल टू गूगल साइन इन क्लाइंट जो हमने ऊपर लिखा था डॉट गेट साइन इन इंटेंट, और यहाँ से हमारा इंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट लिख देते हैं हम, इंटेंट जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, और रिक्वेस्ट कोड में हम कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 100 दे दिया है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा डायलॉग पॉपअप होगा उसमें यूज़र किसी भी ईमेल पर प्रेस करेगा तो वहाँ पर जो उसकी ईमेल है वो हमें गेट करनी है, और वो ईमेल हमें कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ पर एक मेथड से मिलेगी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाले मेथड से।
तो यहाँ पर उस बंदे का डाटा जो है, इस डाटा के अंदर उसका मतलब डेटा होगा। तो यहाँ पर भी हमें कुछ कंडीशंस को लगाना है। हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल 100। अगर जो हमारा यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड मिल रहा है यहाँ पर, वो इस रिक्वेस्ट कोड के बराबर है, तो हमें यहाँ पर एक टास्क लगाना है। टास्क में हम लिखेंगे गूगल साइन इन अकाउंट, अकाउंट देन टास्क विल बी इक्वल टू गूगल साइन इन डॉट गूगल साइन इन नॉट गूगल साइन लिखेंगे डॉट गेट लास्ट साइन अकाउंट फ्रॉम इंटेंट, एंड यहाँ पर हम डेटा को पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमें वो डेटा जो है, मतलब उसका एक टास्क मिल जाएगा। अब हमारा जो टास्क है उसे हम यहाँ पर एक अकाउंट के अंदर सेव करेंगे। अकाउंट के वेरिएबल के अंदर हम ट्राई यहाँ पर लिखते हैं गूगल साइन इन अकाउंट, गूगल साइन इन अकाउंट देन अकाउंट विल बी इक्वल टू टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर ए पी आई एक्सेप्शन डॉट क्लास होगी। ए पी आई एक्सेप्शन डॉट क्लास को हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गेट रिजल्ट का, गेट रिजल्ट एंड ए पी आई एक्सेप्शन डॉट क्लास। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि कैच क्लास भी ऐड करो, जो कि हमारे ट्राई के साथ होता ही है। अगर ट्राई ना हो तो हमारे कैच के अंदर एक्सेप्शन में आ जाता है यहाँ पर। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि ओथ क्रेडेंशियल का एक वेरिएबल लेना है। ओथ क्रेडेंशियल, ओथ क्रेडेंशियल इज इक्वल टू गूगल ओथ प्रोवाइडर, गूगल ओथ प्रोवाइडर डॉट गेट क्रेडेंशियल। और यहाँ पर हमें आईडी टोकन पास करना है। हम अकाउंट की हेल्प से यहाँ पर आईडी टोकन को गेट करेंगे, गेट आईडी टोकन। और एक्सेस टोकन में हम नल डाल देते हैं। ओके गाइस, नल हमने यहाँ पर डाल दिया। देन अब हम क्या करते हैं कि इसे, अब हम मतलब लॉगिन तो हमारा हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो साइन मतलब यूज़र है उसे हम फायरबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो उसकी हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं। आप लिखते हैं ओथ को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर स्टोर करना है, और दैट ओथ डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल, एंड यहाँ पर हम ओथ क्रेडेंशियल को पास कर देते हैं। डॉट एड ऑन कम्प्लीट लिस्नर, न्यू ऑन कम्प्लीट लिस्नर, एंड यहाँ पर हम चेक करते हैं अगर हमारा टास्क मतलब साइन हो जाता है तो हम क्या करना चाहते हैं, और अगर नहीं होता तो हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ टास्क इज़ सक्सेसफुल तो हमें क्या करना है, एंड इफ़ टास्क इज़ नॉट सक्सेसफुल देन हमें क्या करना है। तो अगर हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज उसे शो करेंगे यूज़र अपने को। ये अभी के लिए हम रख रहे हैं, बाद में से रिमूव कर देंगे। लॉग इन सक्सेसफुल। ओके, तो अगर फेल्ड हो जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग इन फेल्ड, एंड यहाँ से हम ऐप को भी क्लोज कर देंगे। फिनिश। ओके, और यहाँ पर हमने अपनी गूगल साइन इन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक नई एक्टिविटी को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारी होम एक्टिविटी रहेगी। तो आज हम उसमें ड्रावर मेन्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर ब्लॉग एप्लीकेशन के फोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ, देन एक्टिविटी पर क्लिक करके नई एक्टिविटी को यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, जिसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रावर एक्टिविटी। ओके, ड्रावर एक्टिविटी हमने इसका नाम रख दिया। देन हम यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करते हैं, और यही हमारी होम स्क्रीन भी होगी, क्योंकि यहीं पर हमें सभी अपने ब्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और ड्रावर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जो तीन लाइनें होती हैं जो हमारे टॉप पर होती हैं वो आएंगी, और उस पर क्लिक करके हमारा मेन्यू जो होगा एक पॉपअप हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हाँ ये हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि उस मेन्यू को पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन्यू को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने रिसोर्सेज वाले इस फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करके न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पर क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पर हम मेन्यू को यहाँ पर एम डाल के मैं मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मेन्यू का एक नया फोल्डर आ भी चुका है। कहाँ है, यस यहाँ पर आ चुका। ओके, देन हम यहाँ पर इस पर भी राइट क्लिक करते हैं न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर हम इस फाइल को नाम देंगे अपना नैव अंडरस्कोर मेन्यू, एंड यहाँ पर प्रेस कर देते हैं इंटर को।
ओके गाइस, मे बी दिस इज द रेंडरिंग प्रॉब्लम, सो लेट्स इग्नोर दिस वन एंड हियर। यहाँ पर हम अपने आइटम्स को ऐड करते हैं। मैं यहीं से ही उठा के इसको पहले हम एक ग्रुप को ऐड करेंगे। यहाँ पर ग्रुप के अंदर हमारे मेन्यू आइटम्स होंगी। ओके, हमारे तीन आइटम्स होंगी यहाँ पर। जी हाँ, तो हम क्या करते हैं अभी इनको, यहाँ पर सबसे पहले हमारा होम वाला होगा, उधर होम के बाद पब्लिश ब्लॉग वाला होगा, पब्लिश ब्लॉग, देन हमारा वहाँ पर प्रोफाइल वाला होगा। ओके, तो ये हमारा साइड से जो मेन्यू पॉपअप होगा उसमें होगा। तो इसमें हमें एक आइकन भी देना पड़ेगा, आइकन में देता हूँ होम का। गाइज, ये सभी आइकन हमने स्टार्टिंग में ही अपने इस प्रोजेक्ट के सेटअप के टाइम भी यहाँ पर हमने डाली थी, वही आइकन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड पब्लिश आइकन पब्लिश, देन प्रोफाइल वाला भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है। आइकन प्रोफाइल हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, देन आइकन भी हमारा ऐड हो चुका है और टाइटल भी हमारा ऐड हो चुका है। देन आईडी हम इसे देते हैं आईडी नैव होम, देन इसे हम देते हैं आईडी नैव पब्लिश पब्लिश, देन हम इसे आईडी देते हैं आईडी नैव प्रोफाइल। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना मेन्यू जो है क्रिएट कर लिया है। तो आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग मी लाइक दिस, ब्लूप्रिंट डिजाइन, ब्लूप्रिंट पर क्लिक करते हैं, ब्लूप्रिंट पर क्लिक करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ग्लिच गाइस ऑफ माइन फाइल, सो लेट्स इग्नोर इट एंड वर्क मोर, इट विल डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें एरर भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? अच्छा, ये नो प्रॉब्लम गाइस, हमारे ये हो ही चुका है, बस ये रेंडरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे हम, क्योंकि मैं स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में मैंने एंड्रॉयड स्क्रीन इतना हैवी एप्लीकेशन भी ओपन किया, तो थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक हर्डर भी होती है उसमें, जो ऊपर जहाँ पर आपका नेम, आपका लोगो, आपकी ईमेल आती होती है, उसे हम हेडर कहते हैं स्लाइड मेन्यू में। तो मैं यहाँ पर हेडर की भी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा, यहाँ पर हम लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे। लीनियर लेआउट में क्या होगा कि हमारा वर्टिकली, मतलब जितने भी हम यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह डालेंगे वो वर्टिकली आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एल एल लिखता हूँ, मीन्स कि लीनियर लेआउट शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, और यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसकी ओरिएंटेशन को भी हमें बताना पड़ेगा कि हम हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं या फिर वर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन यहाँ पर वर्टिकली देता हूँ, और जो इसकी हाइट होगी वो रैप कंटेंट होगी, जितनी हमारा मतलब कंटेंट होगा हेडर का उतनी ही इसकी हाइट होगी। देन इसको मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड हम देंगे इसके ब्लैक। ओके, ब्लैक बैकग्राउंड हमने इसे दे दिया। देन यहाँ पर रैप कंटेंट की जगह हम इसे 250 dp ही दे देते हैं, 250 dp विल बी मच, 200 dp देते हैं। देन उसके बाद हमारे इसके अंदर होगी हमारी एक इमेज व्यू, जो कि हमारे ऐप का लोगो होगा। फॉर नाउ यहाँ पर हम आपके लोगों को डालेंगे, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। वन, इसको हम वहाँ से 100 दे देते हैं, 100 dp, और इसकी प्रिंट भी यहाँ पर हम, सॉरी गाइज, यहाँ पर हमने उंगली लिख दिया टिंट, हाँ यस, इट विल बी वाइट। ओके, तो अब हमारा ये विजिबल भी हो चुका है, ऐप लिख देते हैं यहाँ पर ताकि ये एरर भी चला जाए। देन हमें क्या करना है गाइस, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देनी है, क्योंकि ये चिपका हुआ लग रहा है ना, हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, मतलब ये तो ऐसे मतलब दिख रहा है लेकिन यहाँ से चिपका हुआ पूरा, ये देखिए आप इसका बॉक्स को दिखाओ, टेंट को तो चिपका हुआ है। तो हम यहाँ से इसको 15 dp की पैडिंग दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे बॉक्स इससे 15 dp के डिस्टेंस पर इधर आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये नीचे मतलब बॉटम के साथ चिपका हुआ दिखाना है, तो मैं यहाँ पर ग्रेविटी चेंज कर देता हूँ, उसकी ग्रेविटी हम बॉटम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है लोगो। उसके बाद हमें यहाँ पर सेम इसी की तरह दो टेक्स्ट को भी यहाँ पर लाना है, एक हम ले लिया है, इसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे गाइस। हम यहाँ पर अपने ऐप का नाम देते हैं ब्लॉग ऐप, देन इसके हम यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं, कलर हम देते हैं वाइट, एंड यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो देते हैं पॉपिन सेमी बोल्ड दे देते हैं गाइस,
देन यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है। टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं गाइस, यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं, 18 SP। देन हम इसी को यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से साइड को चेंज कर लेते हैं, 4 लिख देते हैं। एंड यहाँ पर हमारी सैम्पल की जो ईमेल्स होती हैं बहुत सारी एप्लीकेशन में, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ABCD, या फिर अपने यहाँ पर चैनल का नाम ही लिख देते हैं youtube.com/arturian, जो कि अभी तक हमारे इस चैनल का URL है। अभी ये चेंज होगा बट इसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसे पॉपिंस रखेंगे सिंपल रेगुलर। एंड इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि ये सब हेडलाइन हमारी सब टाइटल है। तो ये हमारी हेडर यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है, तो अब हमारा हेडर भी डिज़ाइन होगी, मेन्यू भी डिज़ाइन होगी। अब हम अपनी एक्टिविटी में चलते हैं एंड यहाँ पर पहले से हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ पर रिप्लेस करना है किसके साथ, आपको ड्रावर लेआउट के साथ इसे यहाँ पर रिप्लेस करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर ड्रावर लेआउट के साथ इसे रिप्लेस किया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक नेविगेशन व्यू चाहिए, नेविगेशन व्यू। ओके, नेविगेशन व्यू हमारा ये क्या होगा कि मैच विड्थ होगी रैप कंटेंट एंड हाइट होगी मैच पैरेंट। मेन्यू देते हैं इसमें हम अपना, ये वाला मेन्यू रहेगा हमारा। एंड हेडर दे देते हैं हम इस पर, हेडर हमारा रहेगा, हेडर हमने नाम हेडर दिया। तो यहाँ इसी को ही हम कहते हैं अपना ड्रावर लेआउट, इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता भी चल गया होगा ड्रावर लेआउट किसे कहते हैं, इसी को ही हम ड्रावर लेआउट कहते हैं। तो अब इसे आईडी भी एक दे देते हैं ताकि हम इसे जावा फाइल में भी एक्सेस कर सकें। नेविगेशन, ओके, नेविगेशन अंडरस्कोर व्यू हम दे देते हैं इसे। तो अभी के लिए हम इसके मतलब साइड में रखते हैं, तो हम इसकी ग्रेविटी को हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब इस साइड होगी बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होगी। तो यहाँ पर मैं एक कस्टम बटन को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, तो हम बटन की जगह इमेज ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा वो जो हमने आइकॉन है हमारा वो हैमबर्गर आइकॉन ये वाला, इसे हम यहाँ पर डालेंगे। तो इसको हम एक लेआउट के अंदर डालेंगे, इसमें हम यहाँ पर रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर एक फ्रेम लेआउट भी चाहिए होगा। तो ये और कुछ आगे रिलेटिव लेआउट, ओके। देन यहाँ पर इसको मैच पैरेंट देंगे हम, इसको भी हम यहाँ पर मैच पैरेंट ही देंगे। देन यहाँ पर हम अब इस इमेज व्यू को उठाकर इधर रख देंगे एंड यहाँ पर अभी थोड़ा मतलब हाइट और विड्थ इसको दे देते हैं हम कितनी, 40 dB दे देते हैं। 40 dB, क्या ये सही लगेगी? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। देन मार्जिन से दे देते हैं हम 15 dB की, 15 dB, ओके। तो ये हमारा रहेगा कौन सा, हैमबर्गर आइकन, मेन्यू आइकन, इससे मैं आईडी देता हूँ menu-icon, ओके। सो यहाँ पर हमने ये लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फ्रेम लेआउट चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे कि मतलब जैसे हमने होम पर क्लिक किया तो हमारा होम वाला स्क्रीन, होम वाले फ्रैगमेंट शो होगा। उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल वाली फ्रैगमेंट शो होगा, वो मतलब उसी एक लेआउट के अंदर ही रिप्लेस होती रहेगी। तो उसको हम देते हैं फ्रेम लेआउट बोलते हैं उसे, हम बोलते नहीं बल्कि हम यहाँ पर फ्रेम लेआउट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसे मैच पैरेंट और मैच पैरेंट कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे कि इसे बिलो हम मेन्यू आइकन के कर देंगे, जो हमारा आइकन है ऊपर इसके नीचे से करेंगे। तो हमारा यहाँ पर इसे हम क्लोज भी करेंगे अभी। तो ये देखिए हमारे ये रहा फ्रेम लेआउट, ये इसके नीचे आ रहा है, ओके। देन फुल स्क्रीन पे आ रहा है और इसको भी आईडी देते हैं हम फ्रेम लेआउट की। लेआउट, ओके। देन यहाँ पर हमने इनको सेटअप कर लिया और साथ साथ में हमने इसके साथ एक इमेज भी डालनी है। तो यहाँ पर मैं इसी को ही डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो है ना, प्रोफाइल वाली DP, हम प्रोफाइल पे लिख देते हैं, PROFILE प्रोफाइल आइकॉन लिख देते हैं, ओके। आइकॉन यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर अभी ड्रॉएबल्स में से कोई मतलब के सैम्पल वाली इमेज हम यहाँ से यूज़ करेंगे। किसी और इमेज को हम यहाँ पर अभी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉएबल प्रोफाइल वाली, हाँ इसी को ही हम यूज़ करते हैं। देन इसको हम क्या करेंगे ना, अलाइंड पैरेंट एंड करेंगे क्योंकि हमें अपनी राइट साइड में दिखाना है, अलाइंड पैरेंट एंड।
एंड यहाँ पर इसे हम ट्रू कर देंगे और ये यहाँ पर हमारे दूसरी वाली साइड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे मतलब बेसिक डिज़ाइन हो चुका है। तो अब हम जावा की फाइल में चलते हैं और इस बटन पर क्लिक होने पर हम ये वाला मतलब हमारा जो वो है ड्रावर लेआउट है उसे यहाँ पर विजिबल करेंगे। देन इस प्रोफाइल फ़ोटो की जगह हमें यहाँ पर अपना वो जो हमारा आइकन है यूज़र का वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो यूज़र का आइकन होगा ना वो मतलब वो स्क्वायर टाइप में होगा, तो हमें उसके राउंड करने थोड़े कॉर्नर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कॉर्नर वो हम कार्ड व्यू को यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू तो इसको हम कितनी विड्थ देंगे, विड्थ 40 देते हैं गाइस, 40 dp। देन हाइट भी इसे 40 ही देनी पड़ेगी, 40 dp। ओके, देन इसे हम रेडियस भी 40 dp देंगे ताकि हमारा जो पूरा सर्कल की तरह ये बन जाए, 40 dp। तो हाँ, ऊपर चलते हैं गाइस, नीचे आ गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इसे कट करना है और यहाँ से इमेज व्यू के ऊपर यहाँ पर पेस्ट करना है, नीचे पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो हम क्या कर देंगे ना कि हमने जो ये इसके अंदर वाली जो है हमारी प्रॉपर्टीज इसको ऊपर डाल देते हैं कार्ड व्यू के अंदर। ओके, और यहाँ पर जो मार्जिन है हमारी मार्जिन उसे भी हम उसी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ अच्छा वो कट हो गया, चलो हम मैनुअली अभी हम इसे यहाँ से उठाकर ऊपर रख देते हैं एंड यहाँ से इसे भी उठाकर हम यहाँ पर ऊपर रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको मतलब सर्कल वाला शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं आपको कोई और यहाँ पर इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे हमारा ये है तो अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल के टाइप में हमारा मतलब यूज़र का आइकॉन जो होगा, लोगो होगा, वो इस तरह से शो होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी जावा फाइल के अंदर और इसका बैक एंड की कोडिंग करते हैं। सेम स्प्लैश स्क्रीन की तरह ही हम यहाँ पर बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ करते हैं। एक्टिविटी ड्रावर बाइंडिंग, ड्रावर एक्टिविटी बाइंडिंग आएगा, चलिए एक्टिविटी ड्रावर बाइंडिंग, हाँ ड्रावर बाइंडिंग बाइंडिंग, और यहाँ पर हम नीचे इसे इनिशियलाइज़ भी करते हैं। बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी ड्रावर बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, यस डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, एंड यहाँ पर क्या करते हैं कि आपने मतलब जो हमारा बाइंडिंग डॉट गेट रूट है उसे लिख देते हैं। और अब हमारी XML भी मतलब किसी भी एलिमेंट को हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें बॉटम जो हमारी मतलब बॉटम क्या हमारी जो नेविगेशन व्यू है इसे यहाँ पर हमें इनिशलाइज तो करना नहीं पड़ेगा, एज हमने यहाँ पर इसे आईडी भी दे दिया और वहाँ पर बाइंडिंग को यूज़ भी कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा ये प्रोफाइल वाला आइकन है इसके अंदर हम यूज़र की जो हमारे उसके मतलब dp है जो प्रोफाइल पिक है उसे हम यहाँ पर शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल साइन इन लिखता हूँ, गूगल साइन इन अकाउंट, तो यहाँ पर मैं एक मेथड ही क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा कोड क्लीन लगे। तो यहाँ पर लिखते हैं शो dp लिख देते हैं गाइस, ये इतना बड़ा कोड लिखेगा। तो ओके, सो शो डी पी हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर हम अकाउंट इज इक्वल टू लिखते हैं गूगल साइन इन डॉट गेट लास्ट साइन इन अकाउंट एंड दिस पर आप हम क्लिक कर देते हैं, टाइप कर देते हैं और कॉन्टेक्स्ट हमने इसी एक्टिविटी का दिया है एड वाली, तो उसी को यूज़ करके हम शो करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली एंड्रॉयड के अंदर इंटरनेट से अपनी इमेज को शो नहीं कर सकते। ओके, तो विद कॉन्टैक्ट हम देंगे, विद हम दिस देंगे इसे यहाँ पर भी डॉट लोड क्या करना है, अकाउंट में जाएंगा, अकाउंट से जाकर हमारी मतलब गेट प्रोफाइल URL फोटो का URL मिल जाएगा यूज़र की और उसे हम लोड करेंगे किस में, इनटू बाइंडिंग डॉट प्रोफाइल वाले उस आइकॉन में। ओके, तो यहाँ पर हमारी मतलब जो dp है यूज़र की वो उसकी यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो लेट्स इंक्रीज इट फ्रॉम 40 to 50। ओके, ये मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ALT पर
में प्रेस करके फिर किसी भी आप लाइन में जाकर किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो वो आपका मतलब ऐसे मल्टीपल टाइम आपको नहीं पुराना पड़ेगा, एक ही बार वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डीपी शो हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सेटअप ड्रावर का भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम अपना जो हमारा ड्रावर लेआउट है उसे यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। सो बिफोर दैट हमें क्या करना है कि हमें तीन फ्रेगमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि जो हमने मतलब मेन्यू बनाया था उस पर क्लिक होने पे हमें अलग अलग स्क्रीन शो होंगी, तो उसके लिए हम तीन फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। तो इसको करने से पहले गाइस हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें हमने मतलब फ्रेगमेंट्स जो होंगे हमारे तीन फ्रेगमेंट, होम, प्रोफाइल और जो पब्लिश वाला फ्रेगमेंट होगा वो हम यहाँ पर उसमें मतलब डाल देंगे फ्रेगमेंट्स। तो इसके अंदर हम तीन फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेगमेंट में जाकर ब्लैंक फ्रेगमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर मैं पहले को यहाँ पर होम को नाम दे देता हूँ। देन इसी तरह से आपको एक दो और क्रिएट करने हैं, मैं आप फटाफट से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और क्रिएट करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो फाइनली हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अब मतलब कि हम अपनी मेन एक्टिविटी की जो कोडिंग है उससे कंटिन्यू कर सकते हैं ड्रावर एक्टिविटी वाली। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ्रेम लेआउट होगा उसमें हमारा जो होम फ्रेगमेंट होगा वो शो होगा। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रेगमेंट ट्रांजिशन इज इक्वल टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगन ट्रांजिशन यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद हम फ्रेगमेंट ट्रांजिशन डॉट रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, डॉट रिप्लेस टाइप करेंगे रिप्लेस, एंड हमारे कंटेनर की क्या आईडी है, फ्रेम लेआउट है, उसे हमने फ्रेम लेआउट की ही आईडी दी है। और कौन सा फ्रेगमेंट हमें शो करना है, न्यू होम फ्रेगमेंट हमें शो करना है यहाँ पर। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हम यहाँ पर एरर दे रहा है, क्या है, रिक्वायर टाइप इंट। ओके, थोड़ी देर मैंने इस पर मतलब इस एरर पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कॉल करा सकते, हमें यहाँ पर लिखना है आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम लेआउट। ओके, देन हमारी ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पर हम इसे क्लोज करते हैं और अब हमें क्या करना है कि जो हमारी फ्रेगमेंट ट्रांजिशन है उसे कमिट करना है ताकि हमारा मतलब ये शो हो जाए, कॉमिट। ओके, डॉट कॉमिट, कॉमिट। ओके, तो यहाँ पर मतलब हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा हमारे उस फ्रेम लेआउट के अंदर हमारा होम फ्रेगमेंट जो है वो शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो नेविगेशन हमने नेविगेशन यूज़ किया था उसके लिए हमें एक ऑन क्लिक सेट करना है। तो ऑन नेविगेशन, नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसका हमें मेथड एक मिलेगा यहाँ पर, ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, तो हम यहाँ पर इसे इम्पोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नेविगेशन व्यू है उसमें हम इसे सेट कर देते हैं बाइंडिंग डॉट नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सेट लिस्ट में हम दिस पास कर देते हैं, मतलब कि इसी फाइल के अंदर है हमारा वो वाला मेथड। ओके, अब हम यहाँ पर उन मतलब आइडियाज को लिखते हैं। तो हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, स्विच, और यहाँ पर आइटम डॉट गेट आइटम आईडी यहाँ पर हम लिखेंगे, जो भी हमारा मतलब वो जिस पर क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर हम केस लगाएंगे आर डॉट आईडी डॉट, अगर हमारे नैव होम वाले पर क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर सीटीआर कंट्रोल प्रेस कंट्रोल को टैप करके हम यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, होम फ्रेगमेंट ही शो करना है, तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट वहीं पर हमें यहाँ पर ब्रेक भी करना है गाइस, ब्रेक करते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, केस, सेकंड केस में हमारा क्या होगा, आर डॉट आई डी डॉट नैव पब्लिश हो गया ना, तो यहाँ पर हम आर नहीं लिख सके और हमारा टाइप नहीं हुआ तो हम यहाँ पर भी इसे आर लिख देते हैं। तो नैव तो हमारा जो है ना पब्लिश वाला है, उसके अंदर भी हमें सेम ही काम करना है। मैं यहाँ से इसे ही कॉपी करता हूँ, यहाँ से हम इसे यहाँ से ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल प्लस, और यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यू, यहाँ पर पब्लिश लिख देना है गाइस, क्योंकि हमारा जो ये वाला फ्रेगमेंट है ना, ये वाला पब्लिश वाला, हमें यहाँ पर यही वाला शो करना है। ओके,
तो पब्लिश ने क्लिक किया तो हमारे पब्लिश वाला भी हो गया। ओके तो हमें यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है क्योंकि इन दोनों का नेम सेम है, तो हम यहाँ पर भी इसके आगे वन लिख देते हैं और यहाँ नीचे भी वन वन लिख देते हैं। ओके तो हमारी ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसे ही डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर पब्लिश की जगह हम क्या लिखते हैं कि नैव, हमारे जो प्रोफाइल वाला था एक लास्ट जो है प्रोफाइल, और यहाँ पर हम टू लिख देते हैं टू, और यहाँ पर भी कुछ हमारा वो लॉक हो गया था, नंबर लॉक हो गया था हमारा। ओके तो हम यहाँ पर भी टू लिखते हैं एंड यहाँ पर भी हम टू लिख देते हैं। देन हम यहाँ पर न्यू पब वो क्या बोलते हैं उसे प्रोफाइल लिख देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि नैव होम हमने उसकी आईडी रखी थी मेन्यू में। मैं आपको यहाँ पर मेन्यू ओपन करके बताता हूँ, नैव होम हमारे इस होम वाले की आईडी है और होम वाले पे जैसे ही क्लिक होगा गाइस वैसे ही हमारे जो होम फ्रैगमेंट होगा वो शो हो जाएगा। एंड वैसे ही जब हमारा पब्लिश वाले पर क्लिक होगा तो हमारा यहाँ पर पब्लिश वाला फ्रैगमेंट जो हमारे यहाँ पर पब्लिश वाला फ्रैगमेंट है वो वाला शो हो जाएगा, और प्रोफाइल वाले पर क्लिक हुआ तो प्रोफाइल वाला शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देना है एंड यहाँ पर हमारा जो है ड्रावर लेआउट बाइंडिंग डॉट ड्रावर लेआउट है जो हमारा। अच्छा हमने उसे आईडी नहीं दी, चलिए हम गाइस अपने मतलब के जो मेरे एक्टिव ड्रावर है उसमें चलते हैं और अपने ड्रावर लेआउट को आईडी देते हैं। यहाँ पर हमें आईडी नहीं दी तभी वो वहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा था। आईडी हम देते हैं यहाँ पर आईडी एंड यहाँ पर हम लिखते हैं DRAWER ड्रावर। ओके ड्रावर लिख देते हैं अभी के लिए DRAWER। ओके ड्रावर यहाँ पर आ गया है के अंदर हमें क्लोज कर देना है। अब मतलब कि जब किसी पर भी क्लिक में हो तो हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट लिख देते हैं, मतलब कि जो हमने वैसे मतलब एग्जाम्पल में लिखा था स्टार्ट वाला वैसे ही हम इसे स्टार्ट में ले जाएंगे। उसके बाद गाइज हमसे यहाँ पर एक चीज़ रह गई है कि हमारी जो मतलब ये वाला बटन है इस पर हमने ऑन क्लिक नहीं लगाया, तो इस पर भी लगा देते हैं मैन्यू आइकन इसकी आईडी, तो ओ हम यहाँ पर ही लिख देते हैं बाइंडिंग डॉट मैन्यू आइकॉन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही हमारे इस बटन पर क्लिक होता है तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ड्रॉवर लेआउट है उसे विजिबल कर देना है, तो हम बाइंडिंग लिख देते हैं दोबारा डॉट ड्रॉवर डॉट ओपन ड्रॉवर ओपन लिख देते हैं। ओके ओपन ओपन नहीं मिलके हमें ओपन ड्रॉवर लिखना है यहाँ पर, और हमें ग्रेविटी जो है इसकी वो लेफ्ट दे देनी है। ओके लेफ्ट तो यहाँ पर हमारी आई थिंक कम्प्लीटली कोडिंग कम्प्लीट हो चुकी है इसकी ड्रॉवर मेन्यू की भी और स्प्लैश जो स्क्रीन थी। अब एक चीज़ रिमेनिंग है जो कि हमने वहाँ पर छोड़ दी थी स्प्लैश स्क्रीन में, तो यहाँ पर हम अपने मतलब जो हमने लिखा था कि अगर यूज़र ऑलरेडी साइन इन है तो हमें यहाँ पर इसे होम स्क्रीन बतानी है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी लिखता हूँ, न्यू इंटेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम, और इंटेंट के अंदर हम दिस पास कर देते हैं, मतलब इस एक्टिविटी से हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है ड्रावर एक्टिविटी के अंदर ड्रावर एक्टिविटी डॉट क्लास, और ये जो हमारी एक्टिविटी है इसे हमें फिनिश भी करना है क्योंकि ताकि हमारा यूज़र वापस इसको नहीं देख पाए। अगर हमारा यूज़र ऑलरेडी साइन है तो वो हमारी मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी में चला जाएगा, बट अगर साइन नहीं है तो वहीं पे रहेगा, और जब हमारी साइन इन सक्सेसफुल हो जाता है तो तब भी हम यही करना है कि हमारा जो यूज़र है, चलिए हमारा फिनिश यहाँ पर कट हो गया था भाई सॉरी। सो यहाँ पर हमारी जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल होती है तो हमें यहाँ पर उस नई एक्टिविटी में से रिडायरेक्ट करने हैं, और यहाँ पर दिस नहीं हम यूज़ कर सकते, हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके तो हमने यहाँ तक मतलब अपनी जो गूगल साइन इन थी साथ ही साथ में हमारे जो ड्रॉवर लेआउट का जितना भी कोडिंग थी वो सभी हमने कंप्लीट कर ली है, और आज के इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, और जो हमारे नेक्स्ट आने वाले पार्ट हैं
और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऐप है ये हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ये था और 2 पार्ट्स अभी आने वाले हैं। आने वाले पार्ट्स में हम इसमें मतलब जो हमारा रिसाइकल वे को इम्प्लीमेंट करेंगे, फायरबेस के सभी क्रिएट ऑपरेशन जितने मतलब क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट वाले जितने भी मतलब फंक्शंस हैं सभी को हम यूज़ करेंगे और ब्लॉक की डिटेल वाले भी क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ में हम सर्च व्यू भी ऐड करेंगे।